हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग उठ गए हैं, टाइम 5:45 हो गया है और अभी करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस, देन चाय वाय पियेंगे। सो चलो, मैं सोची कि मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश कर लूँ, देन हम लोग करते हैं। तो हो गया हम लोग का प्रैक्टिस एंड अभी सुबह की गर्मा गर्म चाय और बेड से चढ़ा दिया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। आज संडे है तो धोना है, तो अभी मैं पी लेती हूँ चाय और बहुत नींद आ रही है। पता नहीं, पी लिया चाय वाय और कर रहे घर का काम। और घर का काम में आज मैं और शिल्पा दोनों जो किचन का सफाई करने में लगे, क्योंकि किचन बहुत गंदा हो गया था। तो ये देखो, अभी कचरा फैला लिया गया है। यहाँ पे शिल्पा है, यहाँ पे मैं हूँ और अभी थोड़ा सा कर रहे हैं सफाई, क्योंकि आज हम लोग का जल्दी, हम लोग मतलब संडे को मोस्टली लेट उठते हैं, आज जल्दी उठ गए थे तो सोचा कर लेते हैं। किस लिए? तो एक बार रख दो, फिर गर्म पानी कर दो इसको, पहले हटाओ ना, झाड़ के हटाओ, बस कचरा नीचे ही गिरेगा पूरा का पूरा। सो अभी हम लोग कर लेते हैं सफाई और साथ में पानी गर्म होने का पता नहाएंगे और देखो क्या क्या होता है, पता नहीं। टिफिन तो इधर रख देते हैं ना, टिफिन को निकाल दो ना उसमें से। हाँ, टिफिन को निकाल दो और फिर चलो कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं काम। मिलते हैं आपसे। मेरा हम लोग का काम जो है बहुत बढ़ गया है, क्योंकि किचन के साफ सफाई के साथ साथ हम लोगों ने जो है सारे रूम्स के जितने भी पर्दा वगैरह सब हटा दिया, सब धोने के लिए। और अभी मुझे धोना है बहुत सारा कपड़ा। और मम्मी चौकी है यहाँ पे, सफाई कर रही है। देखो मम्मी भी आज हम लोग का हाथ बटा रही है, हम लोग ने मतलब बहुत दिनों से सफाई किया नहीं था तो इसलिए। और अभी जा रही हूँ मैं कपड़ा धोने के लिए, तब तक मम्मी और शिल्पा इधर का काम खत्म कर रही है। सो चलो, शिल्पा किचन में फ्रिज सफा कर रही है। फ्रिज भी इतना गंदा था, सब गंदा था, सब बहुत दिनों सफाई नहीं हुआ था। ऐसे रेगुलर बेसिस पे तो सफाई होता है, पर फिर भी मतलब घर में जो है ना, एक क्या बोलेगा, सफाई, हाँ, डीप क्लीन जो होता है ना, वो अच्छे से नहीं होता है। सो इसलिए अभी चल रहा है सफाई, साफ सफाई का अभियान। और इधर शिल्पा दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा? किचन में नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा शायद तक। तो शिल्पा भी करने में लगी हुई किचन का सफाई और मम्मी भी साथ साथ में कर रही है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे कपड़ा वपड़ा धोने के बाद, नहाने के बाद, सब करने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। का मौसम देखिए, आज कितना धूप आया है, इसलिए आज हम लोगों ने घर का सारा कपड़ा जो है धोने के लिए रख दिया है। अब पूरा छत जो है फुल हो चुका है, मम्मी छत पे गई अभी और नहा लिया, पूजा कर लिया, 11 बज गया, अभी तक नाश्ता नहीं किया है। और शिल्पा अभी बना रही है, क्या बना रही है शिल्पा? तो आज शिल्पा बना रही है पोहा। सो उसका प्रोसेस हो रहा है और भूख बहुत जोर की लगी है, सो रहा नहीं जा रहा है। बीच में हम लोगों ने एक बार चाय बिस्किट खाया था और किचन भी पूरा क्लीन हो गया। ये देखो, सारा डब्बा वगैरह सब क्लीन कर दिया शिल्पा ने, सारा किचन का शिल्पा किया, कपड़ा वपड़ा धोने का काम मैंने किया, हम दोनों ने मिलकर सारा सलटा लिया। साथ साथ में मम्मी ने भी हम लोग का हेल्प किया, मम्मी से जितना हुआ उतना मम्मी ने किया, मम्मी ने सारा कपड़ा सुखाया छत पे। और अभी हम लोग नाश्ता करेंगे, देन देखो क्या होता है नहीं होता है, वो आप लोग बने रहिएगा, सब आप लोग पता चल जाएगा। अभी पहले फटाफट से नाश्ता करती हूँ और धूप आज बहुत जबरदस्त है, वीडियो बनाने में बहुत मजा आएगा। और सबके छत पे कपड़ा सूख रहा है, क्योंकि इतने दिनों से अभी मतलब करीब 10 डेज से जो है धूप अच्छे से नहीं आ रहा था, बारिश बारिश हो रहा था पूरा। सो इसलिए सबका कपड़ा धोया हुआ नहीं था बहुत दिनों से। सो चलो अभी मैं डायरेक्ट मिलती हूँ आपको पोहा के साथ, मतलब पोहा वाले प्लेट के साथ, तब तक शिल्पा बना रही है। ये रहा यमी यमी पोहा मेरा, इधर शिल्पा खा रही है, उधर मम्मी खा रही है, ये देखो। सो हम लोग खा लेते हैं अभी फटाफट से। गाइस, हम लोग अभी छत पे जा रहे हैं, काफ़ी धूप है और हम लोग छत पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज हम लोग जो है मैं मम्मी और शिल्पा कुछ और गेम खेलने वाले हैं। सो इसलिए हम लोग को छत पे आना था और अभी हम लोग वो गेम खेलेंगे। और क्या गेम है वो मैं भी आप लोग को बताऊंगी मम्मी लोग को आने के बाद में। मम्मी लोग आ रही है, मम्मी और शिल्पा। और कपड़ा देख रहे हो आप लोग छत पे, देख रहे हो इतने सारे कपड़े मैंने धोया सारा का सारा कपड़ा। ओहो थक गई मैं। और अभी मम्मी लोग आ रही है, देखो कपड़ा ही कपड़ा है पूरा छत पे। ओ तेरी, ये सारे कपड़े मैंने धोए, सारे मैंने धोए। बेडशीट वगैरह तो सूख गया, अभी
मम्मी आ रही है, मम्मी शिल्पा, तब मैं आप लोगों को गेम्स का जो रूल्स बताऊंगी, क्या गेम है वो मैं बताऊंगी। तो बेसिकली गेम जो है क्या खेलने वाले, ये देख रहे हो चेयर, म्यूजिकल चेयर गेम खेलने वाले। तो उसमें मैं, मम्मी और शिल्पा तीनों पार्टिसिपेट करेंगे, और शिल्पा चेयर गिराने में लगी हुई है। हम तीनों पार्टिसिपेट करेंगे और सोनू जो है हम लोग का शूट करेगा। तो अभी देखो क्या होता है, नहीं होता, कौन जीतता है कौन हारता है, और हारने वाले को क्या करना पड़ेगा। सो हम, मैं, मम्मी और शिल्पा तीनों रेडी है, और गेम यही था कि म्यूजिकल चेयर खेलना हम लोग को, और धूप बहुत ज़्यादा जो आँख नहीं खुल रही है। सो उसमें हारने वाले को जो है, जो हारेगा वो जीतने वाले को दोनों को ही वो चिली गार्लिक नूडल्स खिलाएगा, वो भी क्रेजी हटका। सो मैं वो आप लोग को दिखाऊंगी, आज ही खिलाना है, और कौन हारता है वो हम लोग देखते हैं। मम्मी अगर हारी तो मम्मी को खिलाना पड़े। सो चलो हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं। और गेम का रूल्स था वही म्यूजिकल चेयर, जो दो चेयर लगा दी, हम लोग तीन जन पार्टिसिपेट करेंगे। सो चलो अभी स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आओ, जीत गई है, मैं और मम्मी, मम्मी और मम्मी का बेटी दोनों हार गए, कर दिया है, लगा दिया। मम्मी पहला राउंड में हार गई, कोई बात नहीं। हम लोग अभी जो है मम्मी के साथ में दो रील्स बनाना है, सो हम लोग सोच रहे हैं मम्मी के साथ वो बना लेते हैं, फिर जाएंगे नीचे। और आप लोग बताना आप लोग को मजा आया कि नहीं आया। हम लोग अभी ज़्यादा जन नहीं है तो ज़्यादा वो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग ने ट्रैक जब, मतलब पाँच क्या, दो मिनट भी नहीं लगा उसमें, खत्म हो गया। बट कोई और बचाना चाहिए था। हाँ, फिर हम लोग, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा गेम ट्राई करेंगे। आज हम लोग कुछ और गेम ट्राई करने वाले हैं, वो है टंग ट्विस्टर गेम। तो वो मैं, मम्मी तो उसमें पक्का हार जाएगी, उसमें मैं मम्मी को बताऊंगी क्या गेम है। सो चलो पहले अभी हम लोग रील्स बना लेते हैं। हाँ, ये वाला गेम मम्मी बोल पाओगी, चंदू के जाता, चंदू के जाते को चांद जात में चांद, चंदू के चाचा ने, चंदू के चाची ने, चंदू कैसे बोलो ना मम्मी, प्लीज प्लीज बोलो ना मम्मी, क्या बोलती है। हम लोग बोलो मम्मी को, बोले चंदू के चाचा ने, चंदू के चाची को चांदी रात में चांदी चौक पे चांदी की जगह से चटनी चढ़ाया। बोला बोलो तो चंदू के चाचा ने, चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी चौक, चाची को चांदी रात में चांदी चौक, राजा गोप गोपगम दास, बोलो जल्दी, राजा गोप गोपगम दास, राजा गोपगम दास, राजा गोप गोपगम दास पहला मैं। सो चलो अभी हम लोग फटाफट से अपना रील्स बनाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। का बन गया रील्स, किस पे बनाया शिल्पा, सुनो ससुर जी, उस पे मैंने बनाया, मतलब उसमें जो वो वाला लिरिक्स है ना, ऐसे अनजान ना बन सब कुछ तू जानकर, उस पे मैं मम्मी के साथ बनाई, और फिर हम दोनों ने बनाया मेरी दुनिया तू ही रे, इस पे बनाया। सो आप लोग देखिएगा, बताइएगा कैसा बना है। एंड अभी हम लोग कपड़ा जो कुछ कुछ सूख गया है, सो हम लोग लेके जाएंगे नीचे, और देन देखो क्या करते हैं हम लोग नीचे। और अभी कपड़ा वगैरह समेट लेते हैं, बेडशीट वगैरह लगा लेती हूँ, देन खाना वाना भी बनाना है, और आज कहीं बाहर जाने का भी प्लान है। सो आप लोग बने रहिएगा, आप लोग पता चल जाएगा आप लोग को, और आप लोग बताइएगा हम लोग का गेम आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, और मम्मी के साथ कॉमेडी आप लोग को कैसा लगा, और हम लोग जो मैंने टंग ट्विस्टर गेम बोला वो हम लोग खेलेंगे। फिर तो कब टाइम मिलता है उसके उस हिसाब से, आज होता है तो आज, नहीं तो नेक्स्ट किसी दिन होगा तो उस दिन। तो चलो अभी मैं फटाफट से अपना सारा काम फिनिश्ड कर लेती हूँ, देन मिलती हूँ आपसे, और कहाँ जाएंगे वो आप लोग बने रहेगा, पता चल जाएगा आप लोग को। वीडियो बनाने के लिए बहुत दिन से हम लोग गए नहीं बाहर, सो आज जाएंगे। हम लोग हो गए रेडी, और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो हम लोग बेसिकली जा रहे हैं अपना वीडियोस बनाने के लिए। सो चलो कहाँ चल रहे हैं वो अभी देखते हैं, कहाँ जा रहे हैं। सो लेट्स गो, छूटे बाहर ही, मज़ा आ गया।
तो मैं मिलती हूँ आप लोग से वहाँ पे डायरेक्ट। हम लोग आ गए हैं आयुर संजीवा, अपने फेवरेट जगह पे, जहाँ पे हम लोग का वीडियो बहुत अच्छा बन जाता है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे आए। और उससे पहले हम लोग ये टी गार्डन के पास रुके हुए हैं, अभी है थोड़ा सा दूर है। सो यहाँ पे हम लोग टी गार्डन्स के पास में रुके हुए हैं थोड़ा सा कुछ वीडियोस बनाने के लिए। और ये जो जगह है ना, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और वीडियोस भी मैंने यहाँ पे काफ़ी दो तीन बना लिया है, और अब भी बनाना बाकी है। स्कूटी यहाँ पे लगाया हुआ है। सो आप लोग बताना वीडियोस कैसा बन रहा है, और आप लोग को ये टी गार्डन कैसा लगा। सो चलो हम लोग बना लेते हैं रील्स, फिर मिलते हैं आपसे। हम लोग आयुर संजीवा एंड आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, आप लोग देख ही चुके हैं। और हम लोग के पास ये देखिए क्या है, गुलाल है। गुलाल किस लिए लेके आए हैं? गुलाल इसलिए लेके आए हैं कि हम लोग को वीडियो बनाना है, वो बलम पिचकारी वाला जो सॉन्ग है ना, उसके ऊपर रील्स बनाना है। सो उसमें थोड़ा सा ऐसे लगना तो चाहिए ना कि होली होली वाइब, तो अभी होली आने वाली है इसलिए। और हम लोग अभी ऐसे जस्ट शिल्पा आ रही है, टिकट ले रही है। मैंने शिल्पा को बोला तुम टिकट लेके आओ, देन हम लोग मतलब बनाएंगे वीडियोस। सो चलो अभी आ रही है शिल्पा, देन हम देखिए हम लोग जो उस पर रील्स बनाने वाले उसके लिए गुलाल लगा रहे हैं, तो कपड़ा ना नहीं ख़राब होने के लिए हम लोग बचा बचा के जो गुलाल लगा रहे हैं, और रुको एक सेकेंड, खुद से ही लगा रहे हैं। आ जा शिल्पा, क्या देखो कैसा लग रहा है, हो गया? और तो नहीं लगाना, और हाथ से उड़ाएगा क्या? लो तुम अपना लो, हमको ले लिया। सो हम दोनों ने सोचा था पूरा व्हाइट व्हाइट पहन के आने का, लेकिन हुआ नहीं। बाल में लग रहा है, हमको पता है। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा बलम पिचकारी, हाँ शर्ट पूरा लगा दिया, और हो देगा, हो देगा, कोई नहीं, हो गया इतना ही लगाओ। लोग का जो है बलम पिचकारी वाला रील्स जो है वो बन चुका है, और हम लोगों ने अपना शर्ट जो है निकाल दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, गंदा भी हो गया था। और हम लोग और भी बनाना है कुछ रील्स, और टी गार्डन्स में भी हम लोगों ने बना लिया कुछ, और अभी यहाँ पे घूम रहे, देख रहे हैं कि कौन सा जगह अच्छा है, और एक और बना लिया। ओ माई माइंड एवरी टाइम, जो भी ट्रेंड में चल रहा है। और यहाँ पे देखो ये कितना मस्त बोटिंग के लिए बनाया, अभी बंद है, अभी नहीं चल रहा है। ये जो है कब चलता है? समर के टाइम पे चलता है, अभी बंद है। और हम लोग अभी बस ऐसे ही मतलब जगह देख रहे हैं कि कौन सा जगह पे और हम लोग को बनाना चाहिए। भाई कहाँ ध्यान है, भाई कहाँ ध्यान है। सो हम लोग अभी देख रहे जगह, और सब इधर उधर आदमी लोग हैं, तो फिर सर चलो अभी रुको, मैं आप अभी एक जगह पे आ गए हम लोग यहाँ पे, तो बना लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए प्यारे प्यारे रैबिट यहाँ पे, देखो कितना मस्त बना दिया अंदर जाने में। तेरी आई लव यू बच्चा, पर कुछ है नहीं यहाँ पे, एक नहीं नहीं कुछ मत करो, कुछ मत कर, चलो ना घास खाओ घास, चलो चलो। चलो उनके पास ये देखो बोटिंग वाला, अच्छा यही बोटिंग करता है। गाइस ये देखिए सनसेट जो है कितना मस्त लग रहा है यहाँ का व्यू, और अभी हम लोग का टाइम हो गया जाने का। सो ये देखिए ये है आयुर संजीवा। लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं बार बार क्योंकि यहाँ पे जो है ना वीडियो बनाने के लिए जगह अच्छा है और शांति है, और यहाँ पे मतलब ऐसे ही रहते हैं आदमी लोग। हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से। सो अभी चलो मिलती हूँ आपसे घर जाने के बाद, घर जाऊँगी या कहाँ जाऊँगी पता नहीं, फिर रुको फिलहाल डिसाइड कर लेती हूँ, देन हम लोग निकलेंगे यहाँ से। सो आयुर संजीवा बहुत ही अच्छा एक मतलब पीसफुल जगह है, जहाँ पे आप आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो, और यहाँ पे मतलब हम लोग वीडियोज़ वगैरह भी बना लेते हैं। बहुत मतलब खाली खाली जगह है, बहुत चारों साइड जो है हरियाली हरियाली है, सो इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है आने आके यहाँ पे। और अभी यहाँ पे पास में ही बहुत बड़ा टी गार्डन जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया, अभी हम लोग यहाँ से जो है जस्ट निकल रहे हैं, और शिल्पा को देखो क्या करने में लगा है, ये तो स्नैप करने में लगी रहती है ढब्बू। सो चलो हम लोग निकल रहे हैं, बाय बाय, मिलते हैं आपसे। आए हैं क्रेजी हट कुछ खाने के लिए, भूख लगी बहुत ज़्यादा क्योंकि हम लोग आज दिन में लंच नहीं किया था ना, और आज मैं हार गई थी, जीती थी, उसको नूडल्स खिलाना है ना, तो खिलाएगी नहीं, इसलिए मैं खिला रही हूँ।
गए क्रेजी हार्ट एंड अभी ऑर्डर दे रहे थे, दे देते हैं कि आज मतलब क्या म्यूजिकल चेयर में शिल्पा जीत गई थी ना, तो मैं बोली थी कि हारने वाले जीतने वाले को नूडल्स खिलाएगा, तो मम्मी तो खिला नहीं सकती है तो मुझे ही खिलाना पड़ेगा, सो इसलिए हम मुझे भी खाना और इसको भी खिलाना था, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे और अभी ऑर्डर कर लेते हैं, देन हम लोग खाएंगे, भूख लगी है बहुत जोर की। और रील्स जो है हम लोग हैं बना लिया, बहुत सारे रील्स बनाया, अपलोड भी किए कुछ कुछ। ये हम लोग का कोक, क्या देखा उधर, हम इधर बोल रहे हैं। सो हम लोग का कोक हम लोग अभी पी रहे हैं ये, और देन देखो क्या करेंगे। सो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, गर्मी लग गया था। ये रहा चिली गार्लिक, और बताओ हम अपना प्रॉमिस, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तो मैं इसको चिली गार्लिक खिला रही हूँ जो मैंने प्रॉमिस किया था कि ये मतलब हाँ, तो तभी तो हम बोला था मैं खिलाऊंगी, सो मैं खिला रही हूँ, मैं भी साथ साथ में खाऊंगी। सो चलो हम लोग खा लेते हैं, देन आपसे मिलते हैं। देखिए अब है पाव भाजी खाने का टाइम हो गया है, सो पाव भाजी खाएंगे, बहुत भूख लगी है, सो चलो खा लेती हूँ। बहुत सारा नूडल्स खा लिया और पाव भाजी भी खा लिया, सिपा खाया, मजा आया, पेट भर गया, पेट भर गया, ओवरलोड हो गया। और शाम को हम लोग सोच रहे थे कि क्या बनाते, इडली बनाते, लेकिन हो नहीं पाएगा। सो अभी जा रहे हैं घर, और फाइनली घर जा रहे हैं, मम्मी का इतना बार फोन आ चुका है, 6 बजने को आ गया। सो चलो अभी घर जाके मिलते हैं आपसे। तो आ गए घर, बहुत टाइम हो गया है, और घर पे आने के बाद इतना ज़्यादा काम था, सारा कपड़ा समेटना था, आधा तो हम लोग करके गए थे, आधा बाकी था, फिर बर्तन सब धोना था, सो हम लोग ने वो सब किया। बहुत ज़्यादा थक गया, बहुत ज़्यादा थक गए, क्योंकि हम लोग मतलब सुबह से आज काम में लगा हुआ था, फिर बाहर वीडियो बनाने चले गए तो वहाँ पे टाइम लग गया, और अभी खाना बनाने का एकदम मन नहीं हो रहा, लेकिन बनाना पड़ेगा, उपाय नहीं है। सो अभी जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और कुछ नहीं, बस जाऊँगी अभी थोड़ी देर में। हम लोगों ने खाना खा लिया, खाना मतलब हम लोग नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खा लिए थे, तो मम्मी लोग मतलब खा रही है और खा भी लिया है सोनू ने। तो और शिल्पा किचन में है, तो मैं इस वीडियो का एंड यहीं पर कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, और इसमें अगर हम लोग का कुछ भी पार्ट आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सोएंगे, बहुत थक गई हूँ आज, बहुत थक गई हूँ लिटरली, आज सुबह से मतलब बैठने का टाइम ही नहीं मिला है। सुबह 5-6 घंटा तक बहुत काम था घर पे, और फिर उसके बाद दिन हम लोग वीडियो बनाने में लग गए, तो बहुत थक गया आज, और इसलिए पूरा लेजी मूड में चली गई, बट इट्स ओके, कोई नहीं, इतना तो करना बनता है मेरा। सो चलो मैं इस वीडियो का यहीं पे कर लेती हूँ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, और टंग ट्विस्टर वाला गेम जो है वो हम लोग बाद में खेलेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।